दोस्तों सबसे पहले हर हर महादेव और महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा करनाल देव जी के मंदिर में, बाबा वैजनाथ के मंदिर के बिल्कुल इंदिरा गांधी स्टेडियम के बिल्कुल साथ में ये मंदिर है बाबा करनाल जी का। काफ़ी लोगों को ज्ञात हुआ, काफ़ी लोगों को ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ पर मंदिर है जो कि टी गार्डन के बीचों बीच है। बहुत सुंदर सी जगह है और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए। जिस इतिहास की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे वो हमारे साथ कटोच जी, यहाँ पर वीरेंद्र कटोच जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि ये मंदिर कब बना, मंदिर का इतिहास क्या है और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर शिवरात्रि के पावन उपलक्ष पर चली हुई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप मंदिर के बारे में बताएं, मंदिर का इतिहास बताएं और शिवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो हर हर महादेव, शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। ये मंदिर बहुत पुराना है, ये राय बहादुर जोधामल ने जब यहाँ पे बगीचा लगाया था उस टाइम का ये मंदिर, तब यहाँ पे भोलेनाथ जी की स्थापना की थी, बाहर नाग जी हैं उनकी स्थापना हुई थी और ये लगभग 250 से 300 साल पुराना मंदिर है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहीं बोरी से पानी घर लेके जाया करते थे। जानना चाहूँगा कि राज बहादुर जो आप नाम बता रहे हैं जोधामल कौन थे और ये लोग यहाँ पर पानी पीने आते थे, क्या करते थे आप पूरा बताएं। सिबलिंग सो हुआ है या खुद स्थापित हुई है इसके बारे में बताएं। ये जो सिबलिंग है इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है कि ये स्थापित की है या इसके है, पर जो यहाँ पे बगीचा लगा है तो सबसे पहले यहाँ पे नाग जी की स्थापना की गई है। जी लेबर काम करती है, किसी को कोई नुकसान आज तक किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं। जी तो जी जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी चेंजेस बदलाव लग रहे हैं, कुछ एक चीज़ें पुरानी लग रही है, तो मेरे को आप बताएं कि ये चीज़ों की डेवलपमेंट किसने करवाई, आपके साथ कौन जुड़ा, किस तरह ये कहानी पूरी बताएं कि किस तरह आप यहाँ पर सेवा में आए और इतने ज़्यादा आज युवा इकट्ठे हैं और ये सेवा कर रहे हैं, ये सब बताएं जरा हमारे सरकार। ये बात है 2009 की, जब यहाँ पे नंदी जी हुआ करते थे एक पत्थर के, जो सातवीं स्थापना हुई थी किसी टाइम वो बोड़ी में थे, जब हम सुबह आए तो वो बोड़ी में थे, पता नहीं किसने फेंका था, जानवर ने या इंसान ने। फिर वो 6-7 महीने पानी के अंदर ही रहे। इस बगीचे के मालिक हेमचंद सूद वो आए, उन्होंने वो निकलवाया अपने, उनके साथ 2-4 आदमी थे उनको लेके आए, वो निकाला और लेके गए अपने साथ और वहाँ से उन्होंने एक शादी में जाना था जहाँ उनका और परिवार भी आया हुआ था। तो जब वो शादी में गए तो उनकी मिसेज वगैरह वहाँ पे थी, वहाँ से निकले वो तो 1.5 किलोमीटर बाद उन्होंने ब्यास नदी में नंदी जी को प्रवाहित कर दिया। जी उसके कुछ का एक्सीडेंट हुआ था उसी गाड़ी का, कोई भी नहीं उसमें बचा हुआ था अभी, तो यहाँ पे नंदी नहीं था। कुछ समय बाद यहाँ जो लेबर काम कर रही थी उनको काम करना मुश्किल हो रहा था, छोटे छोटे सांप, कोई बड़ा सांप पेड़ों के ऊपर, कोई टोकरी में, तो इस तरह उन्हें काम करना मुश्किल हो गया। लेबर वालों ने 1500-1600 रुपये इकट्ठा करके हमारे पास दिया कि यहाँ पे नंदी रखना है। वो महीना था अक्टूबर नवंबर का, कटिंग चली हुई थी बगीचे की उस टाइम। जी हम बैनाथ गए, नंदी एक लेके आए, तो जैसे उसकी स्थापना के लिए हमने किसी पंडित जी से पूछा कि यहाँ पे स्थापना करनी है तो हमें शुभ दिन बताएं, तो उन्होंने बताया 3 अक्टूबर, तो उसके लिए काफ़ी समय था, धीरे धीरे तैयारियाँ लगी, 3 अक्टूबर आया हमने यहाँ पे स्थापना की, पंडित जी आए थे, फिर 3 अक्टूबर को ही हमारे घर में लड़का हुआ,
वो साल और ये साल लगातार हम सोचते हैं थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते आप जैसे भाई मिलते हैं जी, और काम जो है बढ़ता जाता है जी। शंकर की कृपा, जिससे करवाना होगा वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कटोच जी ने ये मंदिर, इसके बाहर इसमें आपने आप चेंजेस देखे होंगे, और इसमें सारा का सारा चेंज करके यहाँ पर डेवलपमेंट और यहाँ पर काफ़ी विकास यहाँ पर किया हुआ है। बाहर यहाँ पर बोड़ी है जो कि काफ़ी पुरानी है और काफ़ी रहस्यमय मंदिर है। मैं आप सभी जो भी भक्तजन हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी लाइव स्ट्रीम देखेंगे, तो इनको बताना चाहूँगा कि आप जब भी बैजनाथ आएँ तो यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम के बिल्कुल समीप में यहाँ पर बाबा करनाल जी का मंदिर है, तो यहाँ पर आप आकर मेडिटेशन ध्यान भी लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शांत में ये जगह है। यहाँ पर चाय के बगीचे हैं आसपास और बीच में ये मंदिर है जो कटोच जी ने आज हमारे साथ ये जानकारी साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।